तो दोस्तों ये है, इनसे मिलाना चाहती हूँ मैं। ये है हमारे फेमस मतलब उत्तराखंड के गायक। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम तो आप ही बताओ, आपको बताओ है। तो नाम है इनका रोहित चौहान। तो बहुत अच्छे गायक हैं। नामक एक फंड होती है, चार बच्चे फंड हो गए वहाँ महाकौतिक नोएडा में। उनके माँ बाप 6 महीने तक उनके माँ बाप छुड़वा रहे हैं उनके पिता। चाय का फ्लेवर, देसी मसाला चाय, पान चाय, आलू टिक्की बर्गर, चॉकलेट चाय पी लो आप। पान चाय पियेंगे। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं रात का ढोंडल एक बार फिर आ गई हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस ढोंडियान में। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलो दोस्तों, करते हैं आज का ब्लॉग यहाँ से शुरू। तो रेडी वगैरह होके आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि हम लोग आज कहीं जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ दोस्तों कि आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड कौथिग में। उत्तराखंड कौथिग लग रहा है इंदिरापुरम में। आज क्या मतलब 27 से स्टार्ट था, 3 दिनों का था, 27, 28, 29, और आज है लास्ट। और वैसे भी आज संडे भी है तो क्या पता भीड़ रहेगी आज मेरे ख्याल से। तो हमें मिस्टर जी ने बताया, तो मिस्टर जी ने बोला कि चलो चलते हैं, घर पे रह के भी क्या करना है। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं और मेरे मिस्टर जी भी रेडी हो चुके हैं। इधर मुड़ना, रेडी हो गए? और जब से मैंने बाल बनाए ना, तब से मेरे सारे बाल खराब कर लिए। और जैकेट नहीं ले जा रहे दोस्तों, मुझे बोल रहे कि मुझे बल गर्मी हो रही है और बाहर पता बारिश भी पड़ रही है, कहीं बारिश ना आ जाए। हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी अभी तक, पर अभी कुछ पता नहीं है। हाँ तो चलो चलते हैं, लेट भी हो रहा है। और हाँ मतलब ये बता देती हूँ मैं कि जो उत्तराखंड ये कौथिग लगते हैं, उत्तराखंड मतलब मेला टाइप का होता है। तो ये इसमें ना मतलब उत्तराखंड की चीज़ें वगैरह मिलती है हमें, खान पान से पहनावे के वस्त्र वगैरह जो भी हैं। तो अभी हम आ चुके हैं बाहर और हल्की हल्की बूंदें भी पड़ रही है। और पता कौन कौन जा रहा है दोस्तों? मैं, ये और मधु और हीरो। कहाँ गया? कहाँ गए? सॉरी, अब मम्मी नहीं आ रही है। मम्मी पहले मिस्टर जी बोल रहे थे कि मम्मी चलो तुम्हारे बिना मैं नहीं जा रहा है ना। आजा भाई, 1 घंटे से लगी है दोस्तों ये। जैसे दोस्तों बचपन में मेरा ये देवर भागता था मम्मी के पीछे, जब हाँ मधु के कपड़े पहन के भागता था ये ननिहाल। वाह बोल रहा, मत बोलो वाह भी बोल। पहुंच गया रिक्शे में, बैठ चुके हैं मेरे पीछे, और अब हम जा रहे हैं मेट्रो में। और दोस्तों बाहर ना बहुत तेज बारिश आ रही है, पता नहीं वहाँ लगा होगा नहीं लगा होगा, कुछ पता नहीं है, बारिश आ रही है बहुत। और हमें अमरीश ने भी ज्वाइन कर लिया है। तो ये रहा, ये चले गए हैं आगे। तो ये है स्वर्ण जयंती पार्क और यहीं लग रहा है, अब पता नहीं कहाँ लग रहा है। हमारा शायद पोपट हो गया मुझे ऐसा लगता है। तो अभी चल रहे हैं मिस्टर जी और आगे आगे चल रहे हैं, हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। आ रहे हैं वैसे लोग, पर ये तो पूरा पार्क ही है दोस्तों। और ये देखो, ये है रानी लक्ष्मीबाई का स्टैचू। अब हम पहुंच गए अपर गडोली कार्यक्रम उत्तराखंड। यहाँ पे वो हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम अब बड़े हो गए हैं। और देखो हमें ना गढ़वाली गानों की आवाज़ सुनाई दे रही है,
तो वहाँ जाकर डांस करेंगे दोस्तों और बहुत मजा आएगा, है ना मधु? अब मेरे मिस्टर जी रोज की तरह और शर्मा रहे हैं दोस्तों। हीरू हीरू आए, और यहाँ पे इन्होंने पिछोड़े डाल रखे हैं, शायद ये डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हेलो, क्या डांस के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो? नहीं, वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, और ये है हमारी पिछोड़ी बोलते हैं इसको, और ये है नथ ग्लोबंद, इन लोगों ने सबने पहन रखे हैं। ये हमारे गिडवाली, मतलब हमारे जेवर वगैरह हैं। हाँ, बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू। तो अब हम पहुंच चुके हैं, तो चल रहा आप चलन छो आप भीतर, और मत बोनी जी की इन लगनो, बल्कि हम ध्यान पहुंच गांव पहुंच गया है ना। नहीं हाँ, और गढ़वाली गाने चल रहे हैं, सच में आगे बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे डांस हो रहा है गढ़वाली गाने में, स्टार्ट होता होगा। तो यहाँ पे मिल रही है गढ़वाली नथ पिछोड़ा, और सब देखो यहाँ पे ये लेडी है, उन्होंने पहन भी रखी है, आप लोग देख सकते हो। चलते हैं आगे। और ये है मूली, पहाड़ी मूली, पहाड़ी अरवी, पहाड़ी नींबू, पहाड़ी नींबू है, और ये क्या है? गेठी है ये। और यहाँ पे है ये दालें, और इधर है ये टोपियाँ एक से एक। तो हमें लेनी है ये वाली, क्योंकि पापा ने बोला था ये वाली टोपी लाने के लिए, ऐसे तो है। और यहाँ पे है अचार, खुशबू से ही पता लग गया था। यहाँ पे सारी शॉपें हैं, और ये रहा पहाड़ी स्वाद, यहाँ पे राजमा चावल वगैरह जो भी होगा पहाड़ी स्टाइल में। वैसे ज्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे अभी, एक तो आज मौसम भी बहुत ज्यादा खराब है। भीड़ हो रही है धीरे धीरे, है भीड़ धीरे धीरे हो रही है, मिस्टर जी बोल रहे हैं भीड़ होगी। हाँ उधर तो है अभी साइड। तो यहाँ पे मिल रही है इनको एक पान चाय, अब देखते हैं कैसी होती है पान चाय। चाय के फ्लेवर और यहाँ पे है एक चाय का फ्लेवर, देसी मसाला चाय,
पांच चाय, आलू टिक्की बर्गर, चॉकलेट चाय, चॉकलेट चाय, चॉकलेट चाय पी लो आप, पांच चाय पियेंगे यहाँ पे बन रही है पांच चाय, भैया बना रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर और यहाँ पे भैया जी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे बन रही है चाय। अच्छा भैया आपकी कौन सी है फेवरेट चाय, आपने तो सारी टेस्ट करी होंगी। हमारी पांच फ्लेवर फेवरेट है इसलिए आपको दे रहे हैं। अच्छा थैंक यू भैया। कैसे हो रही है? हाँ भैया एक नंबर। देखते हैं इनका रिएक्शन कैसे हो रही है, है? गढ़वाली और बिना चाय के ऐसा हो नहीं सकता। और बहुत सारी है यहाँ पे शॉप लगी हुई, ये है काफल स्टोर, सब गांव की चीजें। और यहाँ पे देखो ये जूस वगैरह है, माल्टा जूस, बुरांस वाला जूस। और अच्छा मिस्टर ढोंडियाल वाले यहाँ पे डांस करेंगे। तो अब हम यहाँ मंच में पहुँच चुके हैं, ये है इधर का मंच। तो अभी हम मतलब सीट लिया, सीट इन और भीड़ देखा तुम अभी जाते थे नीचे और मैं दूसर दूर भी है अब बड़ी मुश्किल से। और यहाँ बहुत तेज बारिश आ रही है, यहाँ देखो कैसे भाग रहे सब, सब भाग गए, देखो सब चले गए। और एक बार फिर आ चुके हैं मंच पे दोस्तों। एक सुंदर सी धुन के साथ आपको उत्तराखंड की वादियों में और एहसास करवाते हैं उत्तराखंड की खूबसूरती का और उसके एक सुखद एहसास का। तो लीजिए प्रस्तुत है ये सुंदर सी धुन आपके सामने, मैं चाहूंगी तालियों के माध्यम से आप स्वागत करेंगे इस कार्यक्रम का। हम आगाज आपके सामने करने जा रहे हैं। सभी लोगों को पहले तो देखते ही बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोग इतनी बारिश के बाद भी यहाँ पर रुके हुए। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा दीजिएगा। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोग इतने इंटरेस्टेड हैं अपने उत्तराखंड के कार्यक्रम को लेके, उसके लिए सभी का दिल से धन्यवाद। और ज्यादा टाइम ना लगाते हुए जल्दी गाना शुरू करते हैं। कौन सा गाना शुरू करें? Yeah.
है, हंगामे की एक हद होती है। चार बच्चे बंद हो गए वहां महाकौतिक नोएडा में, उनके माँ बाप 6 महीने तक उनके माँ बाप छुड़वा रहे हैं उनके पिता। बिल्कुल यहाँ पर नहीं चलेगा, बिल्कुल Rohit Sharma wanted to play first and honest track fair to Virat Kohli. Virat Kohli quick one shot into the boundary for four. Cracked the long shot. यह हमारे हिंदुस्तान की कमेंट थी। अब जब भैरव पर को अंग्रेज आ जाए जब वो कमेंट कर दी ऑफ दी वेरी वेरी गुड इन गोल ब्रैड कॉली एंड नॉट अ बॉन्ड फॉर फोर टेक फॉर अ शॉट फॉर ब्रैड कॉली फॉर फोर नॉट अ फील्ड एंड कवर बॉन्ड रे जब भैरव शर्मा अरे लफड़ा बाबू ते अरे इधर गाना डर को अरे
मैंने मेट्रो ले लिया है, तो अब मिलती हूँ मैं आपको सीधा घर जाके दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं, टाइम हो रहा अभी 10:30। हम वहां से लेट निकले थे, 8:30 तो हमें वहीं हो चुका था, 8:30 से ज़्यादा हो गया था, और बारिश तो लगी रही थी। हम ऐसे खड़े थे, सारे कपड़े भी ऐसे गीले थे, ऐसे आए, ठंड से बुरे हाल हो गए सच में। तो हमने भी बोला हम भी ठेठ गढ़वाली हैं, देख के जाएंगे। वैसे प्रॉपर ख़त्म तो नहीं हुआ था, लेकिन तब भी हम निकल गए। सच में दोस्तों हमें तो बहुत अच्छा लगा, और हमारे ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी शेयर करें। तो करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे एंड। तो आई होप आप सब लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट मॉर्निंग के साथ, तब तक ले बाय बाय।